नाबालिग के साथ हैवानियत के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर समाज बंधुओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा वाल्मीकि समाज द्वारा दिया गया ज्ञापन। पाली जिला मुख्यालय पर आज न्यूज दिल्ली के कैंट दिल्ली गांव नागल में हुई दरिंदगी का शिकार एक और वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी के खिलाफ समाज बंधुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अभी तक हाथरस का जख्म भरा ही नहीं और दूसरी ओर बलात्कार की घटनाएं नागल गांव की 9 वर्षीय बालिका जो कि शमशान घाट में पानी लेने के लिए गई थी, उस नाबालिग बच्ची के साथ 4 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी बॉडी को जलाया गया और घर वालों को भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई, जो कि बहुत ही भयावह है। राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक वाल्मीकि ने के नेतृत्व में आज दिल्ली सरकार घर वालों को 1 करोड़ की तत्कालीन आर्थिक सहायता करने और 4 दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना किसी भी समाज के साथ और किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं हो। पाली से सुरेश पवार। क्या मामला लेके आप ज्ञापन देना है? आज दिनांक 4/8/2021 राष्ट्रीय क्रांतिकारी वाल्मीकि मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक वाल्मीकि के नेतृत्व में दिल्ली नागल गांव की एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या की गई और अल जिला छोड़कर उसे बच्ची के साथ हत्या की गई, जिसमें वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय मिले, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और भविष्य में किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो, इसकी कार्रवाई के लिए महामहिम को ज्ञापन दिया गया है और हम आगे की महामहिम से अपेक्षा रखते हैं कि ये किसी भी भारतीय बच्ची के साथ नहीं हो, इसी अपेक्षा के साथ हम मैम अपनी वाणी को विराम देते हैं।